गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच नेम इज़ वर्ब फॉर्म। अगेन वी आर गोइंग टू लर्न सम इम्पॉर्टेंट वर्ब फॉर्म। आज हम लोग कुछ वर्ब फॉर्म पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे स्पोकन के लिए, हमारे रिटन इंग्लिश के लिए। हमें वर्ब फॉर्म याद रहना चाहिए फ्रेंड्स। मैंने पहले ही आपको बहुत सारे वर्ब फॉर्म बता दिए हैं, 300+ मैंने आपको वर्ब फॉर्म बताए हैं, और आज फिर मैं आपके लिए कुछ वर्ब फॉर्म लाई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के वर्ब फॉर्म पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट आज के वर्ब फॉर्म है CARRY, कैरी। कैरी का हिंदी मीनिंग होता है ले जाना या ढोना। इसका V2 हो जाएगा कैरीड, CARRIED, कैरीड। एंड V3 हो जाएगा कैरिड, CARRIED, कैरिड। इस पर आप सेंटेंस भी बना सकते हैं, आई कैरी माई बैग लाइक दैट। आप बहुत सारे सेंटेंसेस भी इस पर बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ब फॉर्म है आज की कॉन्ट, COUNT, कॉन्ट। कॉन्ट मतलब होता है गिनना या फिर गिनती। इसका V2 हो जाएगा कॉन्टेड, COUNTED, कॉन्टेड। एंड V3 भी हो जाएगा कॉन्टेड, COUNTED, कॉन्टेड। नेक्स्ट है एग्जामिन, EXAMINE, एग्जामिन। एग्जामिन का हिंदी मीनिंग होता है जांच करना या परीक्षा लेना, एग्जामिन। इसका V2 हो जाएगा एग्जामिन्ड, EXAMINED, एग्जामिन्ड। एंड V3 भी हो जाएगा एग्जामिन्ड, EXAMINED, एग्जामिन्ड। नेक्स्ट वर्ब फॉर्म है हिट, HATE, हिट। इसका हिंदी मीनिंग होगा नफरत। इसका V2 हो जाएगA हेटेड, HATED, हेटेड। एंड V3 भी हो जाएगा हेटेड, HATED, हेटेड। नेक्स्ट वर्ब फॉर्म है लर्न, LEARN, लर्न मतलब होता है सीखना। इसका V2 होगा लर्न, लर्न्ड या लर्न्ड, LEARNT, लर्न्ड, या फिर LEARNED, लर्न्ड। इसका V3 भी यही होगा लर्न्ड एंड लर्न्ड। नेक्स्ट है ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। ऑर्डर का हिंदी मीनिंग होता है ORDER, ऑर्डर मतलब आज्ञा, आदेश। इसका V2 हो जाएगा ordered, ORDERD, ordered। एंड V3 भी हो जाएगा ordered, ORDERED, ordered। refer, REFER, refer। refer का हिंदी मीनिंग होता है भेजना या उल्लेख, रिफ़र, भेजना या उल्लेख। इसका V2 हो जाएगा रिफर्ड, REFERED, रिफर्ड। एंड V3 भी हो जाएगा REFERED, रिफर्ड। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सेक, SHAKE, सेक मतलब होता है मंथन। इसका हिंदी मीनिंग होता है मंथन। इसका V2 होगा सुक, SHOOK, एंड V3 होगा SHAKEN, सेकेंड, सेक, सुक, सेकेंड। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है टेल, TELL, टेल। टेल का हिंदी मीनिंग होता है बोलना या कहना। इसका V2 हो जाएगा टोल्ड, TOLD, एंड V3 भी होगा टोल्ड, TOLD। एंड नेक्स्ट है अचीव, ACHIEVE, अचीव। अचीव मतलब होता है प्राप्त करना या हासिल करना। इसका V2 होगा अचीव्ड, एंड V3 भी होगा अचीव्ड। तो ये थी सम इम्पॉर्टेंट वर्ब फॉर्म जो कि आपको याद करना है, क्योंकि वर्ब फॉर्म बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना ही करना है, क्योंकि अगर आपको वर्ब फॉर्म याद रहेगा V1 V2 V3 याद होना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं, स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं, रिटन इंग्लिश में को प्रॉब्लम नहीं होगी। V3 मैंने आपको बताया है, V4 तो आप जानते ही हैं ING लगता है, एंड V5 में S या ES लगता है। तो आप ये सारा याद रखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट बताऊँगी। 300 भर फॉर्म कंप्लीट करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप सारा भर फॉर्म याद कीजिए, आपके लिए बहुत ही इजी होगा। एंड ग्रामर एंड स्पोकन से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मेरे वीडियो पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।